जनपद अमरोहा के सटी सीमा ब्रिज घाट तीर्थ नगरी पर जिला अधिकारी उमेश मिश्र ने खुद जाकर गंगा माँ की सफाई की और सभी को प्रेरणा दी कि आप सभी इस मिशन को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। लेकिन सबसे अहम बात यह रही कि ब्रिज घाट पर दो जगहों पर घाट लगते हैं, जबकि एक सीमा जनपद हापुड़ में आती है और दूसरी सीमा जनपद अमरोहा में आती है। लेकिन सबसे अहम बात यह रही कि आज तक अब से पहले ना जाने कितने जिलाधिकारी अमरोहा में आए और चले गए, लेकिन किसी ने भी ब्रिज घाट अमरोहा जनपद की सीमा में बने घाटों पर तीर्थ पुरोहितों के साथ किसी भी मिशन को या अन्य किसी भी कार्य को नहीं किया। और आज सबसे पहले उमेश मिश्र अमरोहा जिलाधिकारी ने जो कार्य किया उसके लिए सभी लोग सराहनीय कार्य की बात कह रहे हैं। बता दें, मिशन मोदी टीएम के जिलाध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि सभी लोग इस मिशन का सहयोग करें। और नमामि गंगे के जिला सह संयोजक संजय ठाकुर ने बताया कि सभी लोग स्वच्छता पर ध्यान रखें, तभी मिशन आगे बढ़ पाएगा। नमामि गंगे से जुड़े लाखन सिंह व अन्य नमामि गंगे से जुड़े टीम के दर्जनों लोग मौजूद रहे। तीर्थ पुरोहितों ने जिलाधिकारी का पहली बार आने पर और इस कार्य को करने के लिए सम्मानजनक बताया है। जब इसके बारे में अमरोहा जिला अधिकारी उमेश मिश्र से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह आज 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी जयंती पर हम इस मिशन को चला रहे हैं और आज पूरे जनपद में यह मिशन चल रहा है और आज हम लोगों ने पूरे जनपद में प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया है और आगे भी चलाते रहेंगे। इसके साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पर गंगा घाट पर या अन्य किसी भी जगह पर कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। प्लास्टिक के दुष्परिणामों के बारे में बताते हुए बताया, कहा कि इसके काफी दुष्परिणाम सामने आते हैं जिससे हम सबको बचना है और प्लास्टिक मुक्त भारत को बनाना है। समर इंडिया के लिए कांति प्रकाश के साथ भरत सिंह की रिपोर्ट। हाँ सर, आज जो ये साफ सफाई का मामला है इसके बारे में कुछ अवगत कराएं, आज यहाँ कौन कौन लोग आपके साथ मौजूद हैं? ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आज गांधी महात्मा गांधी की जयंती पे हम सभी लोग इकट्ठे हैं। हमारे सभी सरकारी कर्मचारी हैं, जनता के लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, जो समाज सेवी हैं, मिल करके हम लोगों ने आज पॉलीथीन मुक्त अमरोहा करने के लिए अभियान चला रखा है। सुबह हम लोगों ने अमरोहा में ये कार्यक्रम किया था, इस समय दोपहर में हम यहाँ कर रहे हैं और हम लोग अब इसको लगातार करेंगे, लगातार अभियान चलाएंगे और पॉलीथीन मुक्त अमरोहा सुनिश्चित करेंगे। अभी दूसरे किसी घाट पर भी आप कर जाएंगे? अगर आपने अभी तक हमारा समर इंडिया न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला प्रत्येक समाचार सबसे पहले आप तक पहुंचे।